रानी जी कार में कहीं जा रहे थे, गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया, बारिश होने लग गई, तेज हवाएं चलने लग गई, ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। उसने कहा, सर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देते हैं और जब तूफान थम जाएगा तो तब हम गाड़ी लेके चल पड़ेंगे। लेकिन अंबानी जी ने कहा, नहीं चलते रहो। तो ड्राइवर उनके कहने पे गाड़ी को चलाता रहा, लेकिन उसको गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। थोड़ा और आगे गए तो तूफान और ज्यादा तेज हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, अब ड्राइवर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी गाड़ी चलाने में। और उन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां थी जो तूफान की वजह से रुकी हुई थी। तो ड्राइवर ने फिर से रिक्वेस्ट करी, सर के बाकी लोग भी रुके हुए हैं तो हम भी रुक जाते हैं, जब तूफान थम जाएगा तब हम आगे चलेंगे। लेकिन अंबानी जी ने कहा, नहीं आप थोड़ा धीरे चलो लेकिन चलते रहो। तो ना चाहते हुए भी ड्राइवर गाड़ी लेके धीरे धीरे चलता रहा। धीरे धीरे जब वो आगे गए तो मौसम पहले से बेटर हो गया, हवाएं कम हो गई, और धीरे धीरे चलते चलते जब वो आगे निकले तो तूफान भी खत्म हो गया, हवाएं चलनी बंद हो गई और मौसम एकदम से सही हो गया। तब अंबानी जी ने कहा कि अब आप गाड़ी रोक दो। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोला कि सर अभी रोकने का क्या फायदा, अभी तो मौसम सही हो गया है। तो उन्होंने बोला कि चलो हम नीचे उतर के देखते हैं कि वो लोग तूफान में रुके हुए थे उनका वो लोग आए कि नहीं अभी। तो ड्राइवर ने कहा कि पीछे तो अभी तूफान है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जब तूफान थमेगा तब हम लोग चलेंगे, तो वो लोग तूफान में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों हमारी लाइफ में भी कभी कभी अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमें लगता है कि हमें रुक के अच्छे टाइम का इंतजार करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम धीरे धीरे चले रहें तो बहुत ही उस फेज को पार करके अच्छे फेज में आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें दौड़ना नहीं है, ना ही हमें रुकना है, बस चलते रहना है। अगर हमारे मन में मंजिल को पाने की तमन्ना है, थोड़ी बहुत मुसीबतें, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन वहां पे अगर रुक के इंतजार किया कि ये चीज ठीक हो जाएगी तब हम आगे चलेंगे, तो हो सकता है बहुत देर हो जाए या आप फिर वहीं पे रुके रहो। थैंक यू।